यदि आप मणिपुर से हो और मेरी तरह आप भी गुवाहाटी घूमने के लिए आए हो और परफेक्ट मणिपुरी राइस होटल की तलाश में हो जहाँ पे अपना घर का जैसा खाना मिलता हो, तो वो होटल का नाम है संगाई मणिपुरी राइस होटल, जो कि पल्टन बाज़ार से 400 मीटर की दूरी में है। और ये जगह का नाम है मणिपुरी बस्ती, जो कि GS रोड पे पड़ता है। और इस होटल पे एक दो ही नहीं, पूरे 14 वैरायटीज़ की सब्जियाँ मिलती है, जो कि इस होटल को गुवाहाटी में सबसे स्पेशल बनाती है। हेलो एवरीवन, तो वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग गुवाहाटी में ही हैं और अभी हम लोग का प्लान ये बना कि हम लोग अभी यहाँ से खाना खाने के लिए जा रहे हैं मणिपुरी होटल, जो संगाई होटल है पल्टन बाज़ार में, ठीक है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पर, आपको नेपाली मंदिर दिखाई दे रहा होगा वो आगे, ठीक है, ये नेपाली मंदिर है। और नेपाली मंदिर से आपको सीधा, देखो मैं अभी इस तरफ जा रहा हूँ तो लेफ़्ट जाना पड़ेगा, लेफ़्ट जाने के बाद में उधर उधर पे एक संगाई होटल है, वहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे होटल आपको दिखाई दे रहा होगा, महाकाली होटल है, उसके बाद में सिटी हार्ट रेस्टोरेंट है, इस साइड होटल है। यदि आप भी गुवाहाटी पल्टन बाज़ार में और यदि आप भी राइस होटल ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आके खा सकते हो। लेकिन हम लोग मणिपुर के हैं तो हम लोग तो मणिपुरी जो फूड है वही प्रीफर करते हैं ज़्यादातर खाने के लिए। तो भाई लोग अभी देखो आपको दिखाई दे रहा होगा संगाई मणिपुरी राइस होटल, ये पड़ता है GS रोड। आपका नेपाली मंदिर जो है ना वो ट्रैफिक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, इस साइड से जाओगे तो ठीक है, वहाँ पे नेपाली मंदिर है, वहाँ से सीधा ज़्यादा नहीं 400 मीटर आने के बाद में आपको ये संगाई जो मणिपुरी राइस होटल है वो दिखाई देगा। मणिपुरी राइस होटल जाने के लिए आपको ये वाला जो सीढ़ी है वो चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर देखो, ओहो, मज़ा आने वाला है भाई, मज़ा आने वाला है। तो चलो खाना खाएंगे, अभी ऊपर जाके दिखाएंगे आपको प्राइस क्या क्या है। तो भाई लोग, जो हम लोग ने खाना मणिपुरी ट्रेडिशनल फूड जो था वो मंगाया था वो फाइनली आ चुका है। यहाँ पे देखो वैरायटीज ऑफ फूड इन्होंने लाया है, आपको मैं दिखाऊंगा। देखो ये है चिकन जो फ्राई किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में ये हो गया मटन, अब मटन भी आपको मंगा के खा सकते हो। और ये हो गया बॉयल, यहाँ पे सिंजू जो मणिपुर ट्रेडिशनल है, उसके बाद में बोरा। और ये है आलू, आलू का जो चटनी होता है वो है, दिखाई दे रहा होगा। ये है कांगसोई, दिखाई दे रहा है, ये बेम्बू सूट और उत्ती जो मटर से बनाया जाता है, ठीक है। उदय भाई ये देखो, ये क्या चीज़ है, क्या है ये राजमा, ये राजमा का सब्जी है। और ये देखो उदय भाई ये क्या है, ये हो गया आपका दाल, उसके बाद में ये खीर हो गया आपका। यहाँ पे देखो इरोम्बा, ये तो इम्पोर्टेंट है। और जो खाना है ना कुछ इस प्रकार चप्पू में लाते हैं, इसको चप्पू बोलते हैं मणिपुरी में, हंडी आप जिसे बोल सकते हो। तो इस प्रकार खाना आया है। तो भाई लोग अभी पहले मटन से स्टार्ट करते हैं, जो मटन है ना वो थोड़ा डालता हूँ एक बार, ठीक है, ये मटन का सब्जी है ये, चलो डालते हैं इसको और खाते हैं, इसका टेस्ट कैसा है मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। जो मणिपुरी राइस होटल में ना आपको मटन का सब्जी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा नोटिस रीजन में मणिपुरी ट्रेडिशनल होटल है वो पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोग प्रिफर करते हैं वो खाने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे मिलता है। यदि आप आते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो चलो पहले मटन का जो सब्जी है वो ट्राई करते हैं खाना के साथ। सही है, थोड़ा तीखा है ना उदय भाई, थोड़ा तीखा है, जो मणिपुरी लोग हैं ना वो ज़्यादा तीखा खाते हैं, आपको पता ही होगा, जो टिंग चिली होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा है, वो डालते हैं सब्जी में ज़्यादातर, तो इसीलिए ज़्यादा तीखा रहता है। आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ये तीखा सा बनाया गया, पहले ही उनको बता देना कि तीखा मत डालना, यदि आप तीखा ज़्यादा नहीं खाते हो तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। सब्जी तो एकदम मस्त है, मैं मटन खा रहा हूँ पहले, अभी खाते हैं चिकन, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये चिकन है, चलो इसको भी टेस्ट करते हैं अभी। ओहो दे भाई मस्त है भाई, जो घर में आपको जो माँ बनाती है तो स्वाद कैसा रहता है, एग्जैक्ट सेम स्वाद, डिफरेंट नहीं है भाई। और ना आगे ट्राई करना आप लोग भी, तो बॉयल भी खाना ज़रूरी है गाइस, हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक नहीं है ये, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बढ़िया, वाह
सिंजू खाएंगे और सिंजू। ये देखो गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सिंजू, ये जो दिखाई दे रहा है ये ना सबसे फेवरेट है, ठीक है। यदि आप मणिपुर घूमने के लिए आए हो ना, तो आपको सिंजू खाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ का सबसे फेमस जो चीज़ है वो सिंजू भी है, ठीक है। तो सिंजू ज़रूर ट्राई करना, ये थोड़ा घास हरी भरी चीज से बनाया जाता है, जो गोभी होता है, बंद गोभी ना होते भाई, बंद गोभी, ठीक है। उसके बाद में आपको जो लोटस का नीचे रहता है ना, एक क्या बोलता है उसको, लोटस का रूट, ठीक है, उसको भी काट के डालते हैं। और उसके बाद में मिर्ची होता है और ये फर्मेंटेड फिश होता है, वो सब मिक्स करके बनाते हैं, ये जो है। और जो हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है उत्ती, ठीक है, ये उत्ती। और उसके बाद में बेम्बू सूट से बनाया जाता है इसको, और ये टेस्ट करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ। मस्त है, ये भी बोल करके बनाया, बिना तेल, बिना तेल डाल के एकदम बोल से बनाया जाता है। वाह, ये हो गया आलू का चटनी, तो चलो चटनी भी ट्राई करते हैं। वाह, ये क्या चीज़ है भाई, खीर खीर मस्त है। अभी क्या चीज़ रहा, ये हिरोम्बा, इसको हिरोम्बा बोलते हैं, ठीक है, तो चलो इसको भी ट्राई करते हैं अभी। वाह, जो मणिपुर में आपको जो ट्रेडिशनल होटल होता है, जो मणिपुरी राइस होटल होते हैं, वहाँ पे टेस्ट आपको कैसा मिलता है, एग्जैक्ट टेस्ट है यहाँ पे भी गुवाहाटी पे, तो आइए ट्राई करिए। मैं तो वही बोलना चाहता हूँ आपको, बहुत चीज़ें यहाँ पे तीखा थोड़ा है, लेकिन हम लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे मणिपुरी नहीं हो तो आपको ज़्यादा तीखा लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए चीज़ खाना, ठीक है। और उदय भाई कुछ बोलना है यार, कुछ बोलता नहीं है भाई, ये सिर्फ खाना का स्वाद ले रहा है पूरा का पूरा। बहुत आइटम मिलता है गाइस, ये हो गया आपका कांगसोई, ठीक है, ये जो लालचन का पत्ता रहता है, क्या बोलते हैं उसको मनी हिंदी में, क्या बोलता है भाई नहीं पता है, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, उसका पत्ता से बनाया जाता है ये, तो जो ये होता है ना खट्टा होता है, खट्टा खट्टा आपको हर टेस्ट मिलेगा यहाँ पे, बॉयल भी मिलेगा, तिरुम्बा मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, आप आइटम इतना खा जाओगे कि आप खाना खाना ही भूल जाओगे, मतलब ऐसा होता है। अभी तो देखो मैं खाना भी टच नहीं कर रहा हूँ ज़्यादातर, सब आइटम खा रहा हूँ। तो यदि हुआ आप गुवाहाटी पे तो ज़रूर आना यहाँ पे, ये होटल पे, जो लोकेशन है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, चेक कर लेना। इधर सब्जी खा रहा हूँ ना, आपको भी खाने का मन कर रहा होगा ब्लॉग में देख के ना भाई, भूख नहीं लगा आपको, इतना चीज़ खा रहा हूँ, जाकर ट्राई करिए यार आप लोग भी। चलो अभी हम लोग खाते हैं, और यही है आज का ब्लॉग, इतना ही दिखाना था आपको। और आप भी ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना चाहते हो, मणिपुरी ट्रेडिशनल फूड, तो ये परफेक्ट लोकेशन है, आप यहाँ पे आ सकते हो। जो प्राइस है आपको पता चली गया क्या क्या है थाली का प्राइस, ठीक है, तो वही है। तो चलो ब्लॉग इन कर ही देता हूँ मैं, तो अभी खा लूँगा, ठीक है। तो यही था आज का ब्लॉग, उदय भाई एंडिंग करेगा आज, भाई बता दो क्या करना है इनको, वही ऐसे ही प्यार देते रहिए और कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट गाइस, आप लोग कॉमेंट नहीं करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो यार, मतलब देखते देखते एक लाइक और कमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और काम करने में मज़ा भी आएगा, तो वो चीज़ भूलना नहीं है आप लोग को। चलो हम लोग खाते हैं, टिल देन बाय बाय गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो, ओके बाय।